दोस्तों अज की यह वीडियो तुहानू बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इस वीडियो में असी एक सवाल का जवाब लभण की कोशिश करांगे कि रब है कि रब का कोई अस्तित्व है। यह सवाल जिन्ना इंट्रस्टिंग है इसका जवाब उन्ना ही मुश्किल है। सो वीडियो शुरू करने तो पहला चैनल में सबसक्राइब तो वीडियो लाइक जरूर कर दौ। भला रब कौन है तो वह कित्थे रहिंदा है तो उसका की रंग रूप है। ये विशा जिन्ना बड़ा है उन्ना ही गंभीर है। तुसी रब नूं की समझदे हो? एक गल तो साफ है कि जेकर दुनिया का कोई भी जीव परमात्मा की होंद नूं महसूस कर लवे तो वह भी यही सोचेगा कि शायद रब मेरे वर्गा होना। जिवें आपां इंसान सोची बैठे हाँ असी भगवान नूं अपने वर्गा ही समझदे हाँ तो असी भगवान दियां अपने मुताबक मूर्तियां भी बना रखियां हन जो साडी सब तो वड्डी गलती है। असी की हाँ साडी की हस्ती है इस ब्रह्मंड विच असी एक तिनके समान भी नहीं। असी ब्रह्मंड विच एक बूंद समान धरती ते रहण वाले एक छोटे जे जीव हाँ जो एक दिन खत्म हो जावांगे। साडे अपने ही बनाए धर्म ने ते हर एक धर्म की अपनी एक बखरी मत है ते इन्हां बखरियां मतां होण करके धर्मां नूं लैके दंगे फसाद होंदे रहिंदे हन अते लोग मरदे रहिंदे हन। सो अज दी वीडियो तुहानूं सोचण ते मजबूर कर देवेगी कि सचमुच असी जिन्हां नूं भगवान समझदे हाँ कि वह भगवान हन। इस सवाल का जवाब जानन लई थोड़े समय लिए आपां सारयां नूं इस धरती तो बाहर की सैर करनी पवेगी। चलो तुहानूं थोड़े समय लिए इस धरती तो बाहर लेके चलीए ते उस पसारे नूं वेखीए। यह है साडी धरती जिथे तुसी इस वक्त बैठ के इस वीडियो नूं वेख रहे हो। इस विच हन नवग्रह यह मून है ते यह साडे बाकी ग्रह ने सूरज मंगल मिरक्यूरी वीनस ते होर बाकी सारे ग्रह। थोड़ा होर जूम आउट करते हाँ ये वो ग्रह हैं जो सानू तारियां दे रूप में विखाई देंदे ने जिन्हां नूं असीं ज़्यादा दूरी होण करके हाले तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वेखो इस पसारे नूं करोड़ां ही ग्रह हैं। सोचो इन्हां करोड़ां ग्रहां विचों किन्नियां ते जीवन होना तुसीं कल्पना भी नहीं कर सकते। किन्नियां ते जीवन पनप रहा होना ते किन्नियां ते जीवन खत्म हो गया होना। ये सारे ग्रह मिलकर बनाउंदे ने एक मिल्की वे गलैक्सी। इस मिल्की वे गलैक्सी विच पता ही नहीं किन्ने करोड़ां ग्रह होणगे। ये पसारा इत्थे ही नहीं रुकदा। इस मिल्की वे तो थोड़ी दूर एक होर मिल्की वे है इस अंदर भी अरबां खरबां तो ज़्यादा ग्रह होणगे जिस दी गिणती नहीं की जा सकती। तो थोड़ा होर जूम आउट करते हैं वेखो ये हन मिल्की वे जिन्हां दी गिणती करनी मुश्किल है। थोड़ा होर जूम आउट करते हैं एक खरबां मिल्की वे मिलके बनाउंदे ने एक मल्टीवर्स। ये है साडा मल्टीवर्स। एक होर अनोखी चीज़ वेखो इत्थे होर भी अरबां खरबां मल्टीवर्स हन। गिनती नहीं होनी कि किन्नियां ग्रहों उपर किन्ने प्रकार के जीव जंतु रहिंदे होणगे। कमाल आ ना इह जिन्हां तो परे पता नहीं किन्ने ही मल्टीवर्स होणगे। ये भी हो सकता कि साडे धरती वर्गे होर भी ग्रह होण ते उहनां ते शायद साडे वर्गे इंसान भी रहिंदे होण। कुछ भी हो सकता क्योंकि इस ब्रह्मंड विच असी इकलौते नहीं। हुण तुसी इत्थों किन्ना ही वड्डा टैलीस्कोप लगा के वेख लो तुसी नहीं दिखण वाले। तुसी तां की तुहाडी प्यारी धरती भी नहीं दिखण वाली। इत्थों सोचो इस पसारे नूं कौन चला रहा। असी धरती ते पता नहीं किन्ने ही भगवान बना रखे ने जो धरती ते ही पैदा हुंदे ने ते धरती ते ही मर जांदे ने। सोचो इस पूरे मल्टीवर्स नूं कौन कंट्रोल कर रहा, कौन इसका निर्माण कर रहा। सोचो वह कि शक्ति आ जो इस पूरे यूनीवर्स नूं चला रही आ। किन्ना वड्डा सवाल है ये। तुसी ये सोचो कि असी आसमान विच किन्ने ही तारे टुटदे वेखदे हाँ। तुसी कदे सोचा कि साडी धरती भी उन्हां तारियां विचों एक है। ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी तारियां दी तरह ते असी भी एक दिन खत्म हो जावांगे। पर यह पसारा नहीं रुकेगा क्योंकि इसका निर्माण करने वाली शक्ति हमेशा रहेगी जिसनों असी परमात्मा परमेश्वर अल्लाह कुछ भी कह सकते हाँ। चलो हुण आपां वापस चलते हैं अपनी धरती ते। हुण आपां अपने तो ही शुरू करते हैं। इंसान नूं जीउण लई आक्सीजन की जरूरत होंदी है जो सानू पेड़ पौद्यां तो मिलती है ते पेड़ पौद्यां नूं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होंदी है जो उन्हां नूं साडे तो हासिल होंदी है। कमाल दा सिस्टम है ये। तुसी ये सोचो कि यह सिस्टम किसने बनाया होना, किन्ने बारीक कीड़े धरती ते मौजूद हन, किन्नी बारीक बणतर है उन्हां दी। तुसी ये वेखो कि तुहाडे जरूरत की हर चीज़ मौजूद है इत्थे, किन्ना परफेक्ट आ सारा कुछ, किन्ने दिमाग नाल बनाया गया सारा कुछ। इंसान नूं खाना चबाउण तो लैके पचाउण तक लई किन्ना वधिया सिस्टम बनाया गया।
तुसी कल्पना कर सकते हो कि ये जिहड़ा इन्ना परफेक्ट सिस्टम है ये किसने बनाया होना। हुण तुसी ये सोचो कि जिन्हां असीं परमात्मा भगवान समझ के पूजते हाँ कि उन्होंने इस पसारे नूं बनाया होना, नहीं, ये जो साढ़े बनाए भगवान हैं इन्होंने तो हुण ही इस धरती ते जन्म लिया। पर ये पूरा पसारा जो पहला मैं तुहानूं विखाया एक खरबां साल पहला ही तैयार हो चुका सी। कोई तो अजिही शक्ति है जो इस यूनीवर्स नूं चला रही है। साढ़े धार्मिक ग्रंथा विच परमात्मा नूं निरंकार कहा गया है। निरंकार का मतलब है निराकार, मतलब ये सारा पसारा वो परमात्मा है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। परमात्मा है कि नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। साड़ी इन्नी हस्ती नहीं कि असी भगवान नूं जान सकीए, असी तो खुद अपने ही भगवान बना रखे ने। ते कमाल की गल है कि असी परमात्मा की रक्षा भी खुद करते हैं ते एक दूसरे नाल लड़ते हाँ। तुसी ये सोचो कि असी परमात्मा नूं किन्ना छोटा बना रखिया। तुसी उसकी रक्षा करोगे जिसने इस पूरे यूनीवर्स नूं बनाया। असी तो भगवान नूं सिर्फ मंदरां गुरद्वारियां विच ही कैद कर रखिया है। असी सचमुच अपनी सोच मुताबक ही परमात्मा बना रखिया। पर जेकर तुसी उसके बनाए पसारे नूं वेखोगे तां तुहानूं परमात्मा का असली रूप विखाई देवेगा। बाली दूर ना जाओ, तुसी ये सोचो कि तुसी कौन हो, कि तुसी शरीर हो। वो कौन चीज़ आ जदों इंसान मर जाता उसके शरीर विचों बाहर निकल जाती है। परमात्मा है, इसका प्रमाण है ये पूरा यूनीवर्स। तुसी हो उसका प्रमाण, ये बारीक बणतर है उसका प्रमाण। बस ये सोच नूं छड्ड दिओ कि परमात्मा साडे वर्गा होवेगा। जे वो साडे वर्गा होवेगा तां वो नाशवान है, उसका भी अंत होवेगा। सो ये वीडियो तुहानूं किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। तो जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ ते इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करिओ। मिलते हैं अगली वीडियो ते, उदों तक रब रखा।